हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वर्क टाइम एंड वेजेस, यानी कार्य समय और वेतन। तो कार्य समय और वेतन पर किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, या फिर यूपी पीसीएस में, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में, जो इस तरह के प्रश्न कार्य और समय पर अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा यूपी पीसीएस या फिर स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस एग्जाम में हैं, कार्य और समय से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली इसमें यही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी यूपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा डीप करके पूछता है, लेकिन लेवल उसका अच्छा होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग पहले सभी कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे, आज हमारा आज का जो टॉपिक है वह है वर्क टाइम एंड वेजेस, यानी कार्य समय और वेतन। ठीक, तो यह हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यह जो वर्क टाइम वेजेज है, ठीक है, अब इसमें हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, तो कार्य का मतलब भाई कोई व्यक्ति अगर कोई ठेका लेता है या कहीं काम करने जाता है तो वो कहता है कि भाई हम इतने दिन में आपका कार्य जो है समाप्त कर देंगे। आपको दिखा दिया जाता है कि भाई ये आपको, या जैसे मान लो कोई जो मजदूर होते हैं या मकान बनाना है, तो जो मिस्त्री और मजदूर होते हैं भाई देख करके बता देते हैं कि हम इतने दिन में आपका कार्य क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे और हम आपसे इतना पैसा लेंगे। तो उसी पर बेस्ड जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले कुछ टॉपिक समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कहा कि ए ने कोई कोई ए व्यक्ति ए है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है, ठीक है, व्यक्ति ए ने कहा कि यह काम, यानी कोई काम है जिसको उसको करना है, यह काम मैं 20 दिन में समाप्त कर दूंगा, 20 दिन में समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 20 दिन में क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो 20 दिन में अगर समाप्त कर दूंगा तो एक दिन में वह कितना काम करेगा, कि वह जो व्यक्ति ए है, एक दिन में अगर मैं पूछूं कि कह रहा है कि वह पूरा काम 20 दिन में काम खत्म कर देगा, तो एक दिन में वह कितना भाग करेगा, एक दिन में वह मतलब ए व्यक्ति, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा या कितना कितना कार्य, कार्य मतलब काम, तो कितना कार्य, यह कार्य किस रूप में होगा, भाग के रूप में होगा, है ना, कितना कार्य करेगा, तो कितना कार्य करेगा। तो अब अगर पूछा गया कि भाई एक कोई व्यक्ति है 20 दिन में वह काम समाप्त कर लेता है, या जैसे आप ही हैं, आपको मान लो पढ़ना है मैथ और आपने कहा कि ये मैथ जो है मैं पूरी कंप्लीट जो है 20 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, यानी 20 दिन में आप पूरा क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक दिन में आप कितना पढ़ लेंगे, कितना भाग पढ़ लेंगे उस पूरी किताब का, है ना, तो आप क्या करोगे कि 20 से भाग दे दोगे, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, 20। यानी हमारा आंसर क्या होगा कि एक दिन में वह कितना भाग पढ़ लेगा या वह कितना कार्य कर लेगा, तो 1/20 भाग कर लेगा। यानी हमको करना क्या होता है कि कोई कार्य एक होता है, हम उस एक को 20 से भाग देते हैं, यानी उस एक काम को 20 दिन में काम कर रहा है पूरी तरह से। तो अगर एक दिन में पूछा जाए कि वह एक दिन में वह कितना भाग काम करेगा, तो 1/20 भाग वह पूरा काम क्या करेगा, कर लेगा। बात समझ में आ गई, तो 1/20 क्या है, कार्य है, भाग है, क्लियर है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि अनम ने
भूगोल भूगोल विषय को, भूगोल विषय को पूर्णतः 60 दिन में पूरा, 60 दिन में पूरा पढ़ लेगी, पूरा पढ़ लेगी। यानी अनम ने कहा कि हम भूगोल विषय को पूर्णतः कितने दिन में पूरा पढ़ लेंगे, तो 60 दिन में पूरा जो है वो क्या कर लेगी, पढ़ लेगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में अनम जो है कितना भाग पढ़ेगी किताब का, यानी उस भूगोल वाली किताब का कितना भाग पढ़ेगी, तो आप कहोगे 1/60 भाग। यानी एक दिन में वह उस किताब का कितना भाग पढ़ पाएगी, 1/60 भाग पढ़ पाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? और जैसे अगर मैं कहूँ कि नीतू 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 एक दिन में किसी कार्य का 1/15 भाग कार्य करती है, तो वह पूर्ण का मतलब जो पूरा कार्य है, ठीक है, तो पूरी कार्य यानी उस काम को पूरा कितने दिन में कर लेगी, तो पूरी कार्य करेगी कौन, नीतू। तो नीतू उस कार्य को पूरी तरह से कब करे, तो 1 दिन में 1/15 भाग, 1 दिन में कितना भाग, 1/15। तो 15 को क्या कर लोगे, आप पलट दोगे, 1/15 को पलट दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 दिन। कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना दिन हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दिन में कोई कार्य जो है 1/15 भाग कर लेती है नीतू, ठीक है, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगी, 15 दिन में समाप्त कर लेगी। अगर 15 दिन में समाप्त करेगी तो 1 दिन में कितना करेगी, तो 1/15 भाग करेगी। यही तो लिखा है, उसी का ये अपोजिट है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा चलिए एक और चीज समझे पहले। जैसे मैंने कहा, मान लो कि राहुल किसी कार्य का एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 2/25 भाग पूरा, 2/25 भाग पूरा करता है, तो वह उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो एक दिन में वह कार्य कितना करता है, तो एक दिन में वह काम का जो है कितना भाग करता है, केवल 2/25 भाग करता है। कितना भाग करता है, 2/25 भाग या 2/25 कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम पूछ रहे हैं कि वह पूरे काम को मतलब वह जो पूरा काम है वह कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को पलट देना है, मतलब ये हो जाएगा 25/2 यानी 12.5 दिन। कितना, 12.5 दिन में वह पूरा क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर एक दिन का भाग अगर आपको मालूम है कि एक दिन का कार्य इतना है, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो जो भाग दिया हो उसी को आपको पलट देना है, वह उतने दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी भाई बहन को इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है? चले अब इन्हीं प्रश्नों पर हम पहले देखते हैं
यहाँ पे प्रश्न दिए हैं और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ भी करेंगे, तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ करेंगे ताकि आपको समझ में आए चीजें। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो भैया क्या करना है कि भाई ए उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो आप कहोगे 1/12। अच्छा, मैं कहूं कि बी एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो आप कहोगे 1/24, है ना। ए अगर 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12, बी अगर 24 दिन में पूरा कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/24 भाग करेंगे। अच्छा, अब दोनों मिलकर यानी ए और बी दोनों मिल जाएं, मतलब ए प्लस बी मतलब होता है कि दोनों मिल जाएं, है ना। तो अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम भैया क्या करेंगे दोनों को, आप कहोगे दोनों का कार्य जो है हम जोड़ देंगे, तो हम जोड़ देंगे, एलसीएम हो जाएगा दोनों का 24, ये 2 + 1 हो जाएगा, है ना, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24, यानी आ जाएगा 3/24, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, यानी कितना आ जाएगा 1/8। ठीक, अब यहाँ पर ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, तो आप कहोगे 1/8 भाग किया गया, तो दोनों के द्वारा कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 दिन में। हमने क्या कहा कि एक दिन का काम अगर भाग, अगर एक दिन का कार्य अगर मालूम है, दिन निकालना है कि उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसी को आप पलट दो तो 8 दिन आ जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी मिल करके उस पूरे काम को 8 दिन में क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई किसी भाई बहन को, इसमें कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, तो बहुत सरल सा है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक से करना है, ठीक है, तो ट्रिक भी देखो भाई, इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक है, ट्रिक मैं यहीं पर लिख रहा हूं। तो ट्रिक जो है क्या है, अगर अलग अलग समय अगर आपको मालूम रहे, क्या मालूम रहे, अलग अलग समय, तो यहां पर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं। ठीक है, अगर ए ने यक्ष दिन में किया, बी ने वाई दिन में किया, ठीक है, अलग अलग काम मालूम है, और दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 × 24, और दोनों को जोड़ देना है, तो 12 और + 24, 12 + 24। चलो अब इनको बस हल कर लो, तो ये हो जाएगा जैसे लिखा एक बार वैसे लिख लो, 12 × 24, पूरा नहीं करना है क्योंकि अभी भाग देंगे, है ना, तो 12 और 24 हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 26, 12 का 12, 12 × 36, और 3 × 8 = 24, कितना आ गया 8 दिन आ गया कि नहीं आ गया, तो बात समझ में आ गई। तो चाहे आप इस ट्रिक का यूज करिए और चाहे कॉन्सेप्चुअल करिए, दोनों सरल हैं, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, तो अलग अलग कार्य मालूम हो, दोनों का मिलकर पूछा जाए, तो इसका इसका मल्टीप्लाई आप कर दो, और बटे में क्या करोगे, दोनों का जोड़ से भाग दो दे दोगे। ठीक है, समझ में बात आ गई। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15, अब यहाँ पे दिया है ए और बी मिलकर के किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चलो भैया, मतलब कि ए प्लस बी कोई मिलकर जो है काम करते हैं 15 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 15 दिन में पूरा काम करते हैं। तो अगर मैं यही पूछूं कि एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर के, एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 1/15 भाग करेंगे या 1/15 कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ किसी को, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और यदि बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, ये दो नहीं 20 दिन में, 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो बी अकेले 20 दिन में कर लेगा, कितने दिन में, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में आप कहोगे कि एक दिन में यह कार्य करेगा 1/20 भाग करेगा, कितना कार्य करेगा 1/20 भाग। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, ये 1/15 कौन है,
ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है कि 1/15 भाग दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर के। अगर मैं एक दिन का जो बी वाला कार्य है अगर इसमें मैं घटा दूं, बात समझ में आ रहा है, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं 1/15 भाग। अब बी अकेला एक दिन में कितना करता है, 1/20 भाग करता है। तो अगर इस 1/15 में हम बी वाले के कार्य को एक दिन का घटा दें तो बचेगा कौन, ए वाला ही तो बचेगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों मिले हैं और ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में इतना भाग करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1/15 में 1/20 अगर घटा दूं तो हम भाई किसका निकलेगा, ये निकलेगा ए का एक दिन का कार्य। क्या निकलेगा, ए का एक दिन का कार्य, ए का, क्योंकि दोनों एक एक दिन के हैं, है ना, जो ए का निकलेगा वो अभी एक ही दिन का, तो ए का एक दिन का कार्य आपको पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा भाई, घटा लो तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 15 × 2 = 30, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 60, ये हो गया 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, तो 4 में से 3 निकल गया 1/60। यानी ए का जो एक दिन का कार्य आया वह कितना आया, 1/60, एक दिन का कार्य है। ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य 1/60, तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो ए जो है पूरा उस कार्य को 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब ट्रिक से भी देखिए, ट्रिक से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका शॉर्ट ट्रिक भी देखिए। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक में, अब देखो वहां पर अलग अलग ए और बी का अलग अलग दिया था, यहाँ ए और बी दोनों का साथ में दिया है, दोनों का क्या दिया है, साथ में। तो आपको करना क्या है, इस 15 और ये जो 20 है दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × क्या कर देना है, 20, ठीक। बटे में क्या करना, उसमें जोड़ते थे क्योंकि दोनों का अलग अलग था, इसमें क्या होगा हम घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, मतलब 20। बस सीधा ध्यान में रखना है, अंतर लिखना है, क्या लिखना है, अंतर। अगर दोनों मिलकर दोनों का साथ में काम दिया हो, दोनों का साथ में काम दिया हो, ठीक है, और एक का अकेले काम दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बटे में अंतर लिखना है, बस यही काम करना है। तो ये हो जाएगा भैया 15 × 30 और बटे 5, 5 × 30 कितना आ गया, 60 दिन आ गया, कितना आ गया, 60 दिन आ गया। तो बात समझ में आ गई, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 दिन वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से करिए, चाहे आप ऐसे करिए, ठीक है, जैसे आपको सरल लगे आप वैसे करिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, कह रहा है कि ए बी और सी, अब तीन व्यक्ति आ गए भैया, तीन व्यक्ति क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में काम जो है समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। तो अगर मैं कहूं कि ए ए द्वारा एक दिन में, ठीक है, ए द्वारा एक दिन में किया गया जो कार्य होगा, किया गया कार्य होगा, तो एक दिन में किया गया कार्य मतलब कितना भाग करेगा, तो आप कहोगे 1/6 भाग, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। अगर मैं कहूँ कि बी द्वारा एक दिन में तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा, किया गया कार्य होगा, तो आप कहोगे कि भैया 1/12 होगा, कितना होगा, 1/12 होगा। अच्छा, सी का, सी जो है 24 दिन में करता है, कितने दिन में, 24 दिन में, तो सी द्वारा जो किया गया कार्य होगा, तो आप कहोगे 1/24 भाग करेगा, कितना करेगा, 1/24 भाग। ये सभी का एक दिन का कार्य है, तो अगर तीनों मिलकर के करें, तीनों मिलकर के करें कि ए बी सी तीनों मिलकर के, ठीक है, तीनों के द्वारा एक दिन का अगर हम कार्य निकालें, एक दिन का कार्य निकालें कि उस कार्य का वह कितना भाग करेंगे, तो हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि 1/6 + 1/12 + 1/24, एलसीएम हो जाएगा 24, 6 चौक
12 दूना 24 और प्लस 24 इक्का 24, तो 4 2 6 और 1 7 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन में तीनों ने मिलकर के 7/24 भाग किया। तो मैं पूछूंगा कि भाई पूरा कार्य वो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे, तो पूरा कार्य समाप्त करेंगे, पूरा काम कार्य जो है समाप्त करेंगे, तो उसी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। और पलट देंगे तो भैया आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा 24/7 दिन, 24/7 दिन। तो 24/7 दिन यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। शॉर्ट ट्रिक देखना है तो शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, कैसे इनको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के जरिए। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए करना है तो आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने दो थे तो दो का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 × 12 × 24। अब आपको करना क्या है बटे में, यहाँ बटे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तीनों का 3 बार मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। यानी 6 का 12 में फिर प्लस चिन्ह लगाना है, जोड़ना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी हम एक बार लिख दे रहे हैं, तो 6 × 12 प्लस 12 × 24 और प्लस प्लस 24 × 6। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यह बड़ा कैलकुलेशन हो गया है, इससे अच्छा यही वाला है। तो ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन तो है भैया, कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें आप आराम से कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन को हमेशा इजी वे में किया करो। देखो भाई, देखो 12 इसमें है, 12 इसमें भी है क्या, अगर हम पूछें क्या 12 इसमें है, हाँ है, जो 12 से कट जाए मतलब 12 है। तो 12 से ये 12, ये 12 और 12 × 24 यानी 12 आप इसमें कॉमन लेके काट सकते हो, चाहे ऐसे डायरेक्टली काटो, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। ठीक, अच्छा आप बताओ 6 क्या सब में है, तो 6 यहाँ पे है, 6 इसमें भी है और 6 यहाँ भी है, तो हमने 6 भी काट दिया। ठीक है, ये हो गया 6 × 24 हो गया, ये 6 से 6 कट गया। ठीक, अब यहाँ केवल 1 बचा है, यहाँ केवल 4 बचा है, यहाँ 8 बस, अब आप जोड़ दो। तो भाई 4 2 6 और 1, यहाँ प्लस है ना, तो 4 2 6 और 1, यहाँ कुछ नहीं कट गया सब, तो 1 ही तो बचा है, कट गया मतलब 1। ठीक, तो 4 और 2 6 और 1 यहाँ 7, और इधर क्या बचा, 24/7। ठीक है, तो काटना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है आपका तेज होना चाहिए, तभी आपको चीजें जो है सरल लगेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको समझ में बातें आ गई तो सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और हाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सभी लोग ऋचा अग्रवाल की जो बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, उससे आप प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपको बुक बता दी है, उससे आप प्रैक्टिस सेट करिए, क्वेश्चन लगाइए, नहीं समझ में आता है तो आप जो है मैसेज जरूर कर देंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो मैं वहाँ पे आपको इंक्लूड जो है जरूर बताऊँगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न, अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, सी और उसी काम को 60 दिन में काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा, कह रहा है कि पहले ए और बी मिलकर उस काम को, किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 30 दिन में। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि ए और बी यानी इन्हीं दोनों द्वारा, ए प्लस बी द्वारा द्वारा एक दिन में कितना भाग कम करेंगे, कि एक दिन में कार्य करेंगे, तो आप कहोगे भैया एक दिन में वह कितना भाग काम करेंगे, तो आप कहोगे 1/30 भाग, 1/30 क्या भाग या कार्य, यानी उसका जो है 1/30 हिस्सा काम करेंगे एक दिन में। अच्छा, बी और सी अगर कह रहा है, तो बी और सी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में काम करते हैं, तो 40 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। तो सेम वही कि भाई बी और सी दोनों मिलकर अगर काम करें
ठीक है, मिलकर काम करें तो हम कहेंगे कि भाई 1/40 भाग का हम करेंगे, क्लियर है। अच्छा, सी और ए कितने दिन में करते हैं? तो सी और ए मिलकर के 60 दिन में पूरा काम, उसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो भाई अगर हम कहें कि सी प्लस ए द्वारा 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 1 दिन में आप कहोगे 1/60 भाग करेंगे, कितना करेंगे 1/60। अब हम कहें कि इन तीनों जब मिल जाएं, मतलब ये और ये तीनों मिल जाएं, तो आप एक चीज बताओ, ए और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए द्वारा द्वारा 1 दिन का कार्य, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो भाई, तो तीनों के द्वारा यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए द्वारा 1 दिन का जो कार्य होगा, जो 1 दिन में कितना भाग काम करेंगे, तो हम कहेंगे भैया तीनों को आप जोड़ दोगे तो 1/30, 1/40 और 1/60, ठीक है। अच्छा, एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 120। तो 3 × 4 = 12 यानी 4, 4 × 3 = 12 यानी 3, और 6 × 2 = 12 यानी 2, यानी कुल मिलाकर ये आ गया भाई 4 × 3 = 7, 2, 9/120। 3 से काट सकते हो तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 यानी आ गया ये आपका 3/40। कितना भाग आ गया? 3/40 भाग आ गया, यानी जब ये ए बी बी सी और सी ए ये तीनों मिल करके अगर करेंगे तो 3/40 दिन में काम कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप बताओ, ये ए कितनी बार है? एक यहाँ बार है, एक यहाँ पर है, तो आप कहोगे 2 बार है। बी भी कितनी बार है? 2 बार है। सी भी कितनी है? 2 बार है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2A + B + C बराबर कितना है भैया? 3/40, ठीक है। तो A + B + C बराबर क्या हो जाएगा? A + B + C बराबर 2 उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, मतलब 40 में 2 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 40 × 2 = 80। यानी A + B यानी A, B और C तीनों मिल करके उस काम का 3/80 भाग करेंगे। कितना भाग करेंगे? 3/80 भाग। तो अगर हम कहें कि उस काम को वह पूरा करेंगे, यानी पूरा कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करते हो, पलट देते हो, यानी 80 बटे क्या हो जाएगा? 3 दिन। यानी उस काम को तीनों मिल करके 80/3 दिन में काम पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, चले अब इसका ट्रिक भी देख लेते हैं, इसके लिए भी ट्रिक हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप ट्रिक जो है अच्छे तरह से समझ लें। चले तो यहां पर हम लोग ट्रिक भी देख लेते हैं। तो अगर शॉर्ट ट्रिक के जरिए अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, देखो 2 आया था ना, तो सबसे पहले 2 से आप करोगे मल्टीप्लाई। ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि दो दो जोड़े के रूप में काम करते हैं, ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी और ए मिलकर के, यानी जोड़े के रूप में काम करते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। बाकी तीनों का जो दिया है, 30 दिन दिया है, 40 दिन दिया है, 60 दिन दिया है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 30 × 40 × 60 बटे में वही भाई, 1 दिया था 30, 1 दिया था 40, 1 दिया था 60, यही तो दिया है। तो आप क्या करोगे, एक बार इसका गुणा, एक बार इसका गुणा, फिर 40 और 60 का गुणा, क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, 30 × 40 + 40 × 60 + 60 × 30। ठीक है, अब काटना कैसे है, तो देखो काटना तरीका सीखो भाई, ये चीजें जानते रहो। यहाँ ऊपर कितनी जीरो है? 1। अच्छा, इनमें, इन दोनों संख्याओं में कितनी जीरो है? 2। इसमें भी कितनी जीरो है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 2 0 2 0, मतलब 2 ही 0 कटेगा, यानी कॉमन कितने होंगे? 2 0। तो 2 0 सब में काट दो, तो 2 0 नीचे कटेगा, तो 2 0 ऊपर कटेगा। यहाँ 6 0 नहीं कटा है क्योंकि बीच में प्लस है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 2 2 0 वाले कॉमन होंगे, क्लियर है? ये हमने उड़ा दिया। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ पर? ठीक है, अब अगर देखो, तो अगर हम कहें कि 2 से क्या सब कट जाएंगे, तो हाँ 2 से सब कट जाएंगे, 2 से ये भी कटेगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4,
और दो तिहाई छः, ठीक है। अब कोई चीज़ कटेगा नहीं, ठीक है। तीन से कट जाएगा, इसको भी काट दो, तो तीन से इसको काट दो, तीन दूनी छः, तीन एकन्नम तीन, और तीन में सब में से कटना चाहिए, तीन दूनी छः और तीन से तीन, ये कट गया, ठीक है ना। अब कोई नहीं कटेगा, अब जो है कोई नहीं कटेगा, ठीक है। चलो अब जोड़ लो, तो ये हो गया, देखो इधर हो गया 3 चौक 12, 30 चौक 12 यानी 120, 120 का गुणा 2 में यानी हो गया 240, ये हो गया 240 बटे में कितना हो गया, तो देखो इधर क्या बचा, इधर आपका केवल 3 बचा है, 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 7 और 2 1 का 2, 7 और 2 9, ठीक है। 3 से भाग दे दो, 3 तिहाई 9 और 3 8 24 यानी 80, कितना आ गया, 80/3 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे जिनका कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है, कैसे कैलकुलेशन को हम फास्ट बनाएं, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बेहद परेशान ना हो, अगर आपको 2025 या 26 में एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो जल्द ही जो है आपको सर अनाउंस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बताया जाएगा किस तरह से आपको करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 80/3 दिन आ गया, ठीक है, क्लियर है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता, वह मतलब कौन, ए, वह मतलब कौन, ए की बात हो रही है कि ए बी की तुलना में जो है 30% अधिक सक्षम है और वह पूरा कार्य जो है अकेला उस कार्य को 23 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो आओ देखो भैया, ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 23 दिन में कर सकता है, ठीक है, ठीक है, 23 दिन में कर सकता है। तो अगर 23 दिन में करता है, तो हम अगर कहें कि ए द्वारा एक दिन में, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा, यानी कितना भाग जो है काम किया जाएगा, तो किया गया जो कार्य होगा, तो आप कहोगे किया गया जो कार्य का भाग होगा वह होगा 1/23, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब बी का हमको नहीं मालूम है, लेकिन बी का इतना जरूर मालूम है कि वह 30%, जो ए जो है 30% अधिक सक्षम है, ए क्या है 30% अधिक सक्षम है। अच्छा ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 23 दिन में कर सकता है, और 23 दिन में अगर कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/23, क्लियर है। तो अब अगर हम पूछें कि बी बी उसी कार्य को एक दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना भाग जो है उस काम का करेगा, तो आप क्या करोगे कि भैया 1/23 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, 1/23, 1/23 कौन है, ए है, ए का एक दिन का कार्य है। अच्छा ए जो है बी से क्या है, बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 30% अधिक सक्षम अगर ए है, तो इसका मतलब ये 30% क्या होगा, कम होगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, 30% क्या है, ये अधिक है ना, ये 30% क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि उल्टा कर देंगे, यानी 100/130 कर देंगे, यानी ए का हम बी का अगर हम निकाल रहे हैं, और बी जो है, ए जो है बी से 30% अधिक है, तो बी का अगर हम निकालेंगे, तो ए का हम कितना कर लेंगे, 30% अधिक कर लेंगे, तो 100/130, ये हम प्रतिशत वाले में पढ़ चुके हैं, ये हम प्रतिशत वाले में पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो यहां से एक बात समझिए, जैसे कि भाई ए ए जो है 30%, ए जो है 30% क्या है, अधिक सक्षम है, अधिक सक्षम है, किससे, बी से, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 130 होगा, यही तो होगा, ए कितना होगा, 130 होगा, भाई 30% क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर मैं बी का अगर निकालूं कि भाई बी का कितना भाग होगा, तो बी का अगर आप निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब कार्य निकालोगे, तो ये जो 130 है वो बटे में चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, क्लियर है,
ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही ना, क्योंकि ये जो दिया गया है 30% अधिक जो है सक्षम है। सक्षम मतलब वह कार्य करने में क्या है, प्रबल है, ठीक है, जल्दी काम करता है, ये कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 130 से, यानी 30% का मतलब क्या हो गया, 30% अधिक, अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, और कम 30% अगर कम लिखा होता तो 100 में 30 हम क्या करते, घटा देते। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये टोटल आ जाएगा 10 बटे, ये 13 तिया 39, और 13 दूना 26, 26 और यहाँ पे 3 26 और ये 29, यानी 299 हो गया। ये इतना भाग करेगा कौन, इतना कार्य करेगा कौन, बी काम करेगा, एक दिन में काम करेगा, ठीक है। तो ये एक दिन में काम करेगा, ठीक है, ये एक दिन का कार्य हो गया, किसका, बी का। पूछा क्या था, दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या भाग किया गया कार्य, एक दिन में वो दोनों कार्य का कुल काम का कितना करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको और इसको, ए और बी को। तो ये हो जाएगा 1/23 प्लस 1/299, एलसीएम हो जाएगा भैया 299, और 299 तो ये 23 से हम काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 प्लस 299 से 299 ये कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14 बटे, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 23 13, ठीक है, तो 23 ये आ जाएगा 13, 23 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 299, कितना आ गया, 299, ठीक है। ये एक दिन का कार्य आ गया, ये ए और बी द्वारा क्या हो गया, एक दिन का कार्य हो गया। तो पूरा करेंगे, पूरा हम क्या करेंगे भाई, पूरा काम करेंगे तो भाई पलट देंगे, तो 299 बटे 14, 14 से काट दो तो 14 दूना 28, ठीक है। अच्छा यहाँ 10 था, देखो मैंने लिखा नहीं, तभी कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 10/299 था, है ना, 10/299, तो 13 और ये 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23, तो बटे में क्या आ जाएगा, 23, तो बटे में आ गया भैया 23, 13 और 10 23 हो गया, यहाँ पे 23 लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। तो 23 से काटेंगे तो भाई 23 21 23, और 6 बचेगा, 69 हो जाएगा, 23 3 69, मतलब 13 दिन में, यानी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 13 दिन में पूरा काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो जब भी प्रतिशत वाला अगर इस तरह से रहे कि इतना ज़्यादा काम करता है, तो जिसका पहले दिया हो पहले उसका काम आप लिख लो, फिर क्या करो कि उसी का जितना वो अधिक सक्षम है या कम है, अगर कम होता तो यहाँ 70 हो जाता, अधिक है तो इसलिए 30 100 में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, भली बात परख लीजिए, समझ लीजिए। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए बी सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य का को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर क्रम पर ए की सहायता से करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो एकांतर क्रम वाले बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, तो चलो भैया, ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई, 11 दिन में, कितने दिन में, 11 दिन, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इनका एक दिन का कार्य कितना होगा, तो एक दिन का इनका जो कार्य का भाग होगा वह होगा 1/11। अब इतना तो सब समझ रहे हो ना, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है। बी कितने दिन में काम समाप्त कर लेता है, तो 20 दिन में समाप्त कर लेता है, कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त कर लेता है, ठीक है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो भैया एक दिन का जो कार्य होगा बी का वह होगा 1/20 भाग होगा, ठीक है। सी उस काम को कितने दिन में करता है, तो सी का जो काम है वह 55 दिन में, कितने दिन में, 55 दिन में काम करता है, तो 55 दिन में काम करता है, तो एक दिन में हम कहें कि सी द्वारा कितना भाग
कार्य किया जाएगा, तो एक दिन में जो कार्य किया जाएगा वह किया जाएगा 1/55 भाग। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब कह क्या रहा है कि ये तीनों एक साथ नहीं काम करते, एकांतर क्रम में। मतलब कि यदि बी और सी एकांतर दिन पर एक ही सहायता से, बी और सी एकांतर दिन में, मतलब बी और सी साथ में नहीं करते हैं। बी और सी किसकी सहायता से? एक ही सहायता से। मतलब एक बार बी और ए करते हैं, फिर अगले दिन बी नहीं करता है, फिर सी करता है ए के साथ। बात समझ में आ रही है? यानी पहले दिन की अगर हम बात करें, पहले दिन, तो पहले दिन कौन शुरू करेंगे? बी और ए, यानी बी प्लस ए द्वारा, चाहे बी प्लस ए कहो चाहे ए प्लस बी कहो, बात वही है। ठीक है, तो ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो एक दिन में जो कार्य किया जाएगा, तो आप कहोगे कि इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें, तो 1/11 प्लस 1/20, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11 × 22, मतलब 220। तो ये हो जाएगा 11 × 22 20, और प्लस 11 यानी कुल मिला के आ गया 31/220। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि अब अगले जो दिन होगा, यानी दूसरा दिन जब शुरू होगा, तो दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन, दूसरा दिन जब शुरू होगा, तो अब बी नहीं करेगा, अब उसके स्थान पर सी आएगा, लेकिन ए रहेगा ही, क्योंकि बी और सी ए के साथ ही काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक दिन में हम कहें कि ये दोनों, ए और सी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप इनको भी क्या करोगे, जोड़ लोगे। मतलब कि 1/20 और प्लस 1/55, तो इनका एलसीएम हो जाएगा भाई 500, हम 50 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से नहीं 550, 110, 220, 220 ही होगा। ठीक है, तो 220, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 55, ये हो जाएगा कितनी बार, 4 4 5 6 20 4, यानी 4 बार, है ना? तो ये हो जाएगा 10 4 14/220। ठीक। अच्छा, अब अगर ये दोनों जो है इस तरह से काम करते हैं, यह प्रक्रिया निरंतर इसी तरह से चलती है, पहले बी ए के साथ करता है, फिर सी ए के साथ करता है, फिर अगले दिन बी ए के साथ, फिर अगले दिन सी ए के पास साथ, चौथे दिन, फिर पांचवें दिन बी और ए, फिर छठवें दिन सी और ए, इस तरह से यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, तब तक जब तक कार्य समाप्त न हो जाए, कार्य समाप्त न हो जाए। बात समझ में आ गई इतनी? अब अगर हम कहें कि इन दोनों द्वारा, ये पहले दिन और दिन, तो कितने दिन हो गए भाई, 2 दिन हो गए कि नहीं, पहला दिन काम किया, दूसरा दिन किया, तो 2 दिन में इन दोनों द्वारा, बी और ए और सी ए और ए दोनों द्वारा कितना काम किया गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कितना भाग काम किया गया, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 31/220 और प्लस 14/220 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4 5 और 3 और 1 4/220, काट लो इसको, तो 5 9 45 और 5 6 20, 5 6 20, ठीक है, यानी 9/44 भाग, यानी 2 दिन में कितना भाग काम किया गया, तो 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में यह कितना भाग किया गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 31। यहाँ से फिर से एक बार देख लें, ठीक है, तो ये 220 हो गया, और 31 और 14 45 हो गया। ठीक है, 31 और 14 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, इसको फिलहाल काटा जा सकता था, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, पहले यहाँ पर कहीं हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 9/44 आया है, आंसर जो है पूरा तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, 9 6 36, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 31/120, ये सही है। ठीक है, फिर 1/ अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, इसीलिए सारा गलत आ गया। देखो भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मेरी मिस्टेक है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते समय, क्वेश्चन रखते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने ए और सी का निकाला था, मैंने बी की वैल्यू रख दिया था, है ना भाई, सी और ए हैं, तो सी का कितना था, 1/55 था, 1/55 था, और
ए का कितना है 1/11, मैंने 1/20 बी वाला रख दिया था दोबारा भी, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो देखो फिर वही रख रहा हूँ, 1/11। एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, आप कहोगे 55, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, कितना आ गया 6/55 आ गया, कितना आ गया 6/55। यानी सी और ए उस काम को एक दिन में, कितने दिन में, सी और ए एक दिन में कितना भाग करेंगे 6/55। तो दोनों मिल करके यानी पहले दिन और जो दूसरा दिन है, तो 2 दिन में कुल कितना भाग काम होगा, 2 दिन में, 2 दिन में किया गया कार्य, यानी कार्य का कितना भाग कार्य होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, यानी 6/55 ये वाला और ये वाला, 31/220। समझ में बात आ रही है, एलसीएम हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 55 चौका, यानी 4×6=24, कितना हो जाएगा 4×6=24, ठीक है, कहाँ लिखें भाई, चलो इसको मैं अब इसको यहाँ से हटा करके इधर लिख रहा हूँ। तो कितना है 6/55 प्लस 31/220, एलसीएम हो गया 220, 55 चौका, 4×6=24 और प्लस ये हो जाएगा आपका 31, 3 और 1 4, 1 हो गया 5, 3 और 2 हो गया 5/220। तो 55×1 55, 55×6=20, यानी कितना भाग किया गया 1/4 भाग, कितना भाग किया गया 1/4 भाग। यानी समझिए, बड़े ध्यान से समझिए भाई। अच्छा पहले फिर से समझ लीजिए एक बार, ए 11 दिन में, बी 12 20 दिन में, सी 55 दिन में, इतना तो आप समझते हो कि कार्य कितना काम करेंगे, इतना तो आप समझ गए हो, ठीक है। अच्छा पहले दिन बी और ए काम करते हैं, क्योंकि बी और सी एकांतर क्रम के साथ जो है ए के साथ की सहायता से काम करते हैं। तो पहले दिन बी और ए काम करते हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो 1/11 प्लस 1/20, 31/220। अच्छा दूसरे दिन अब बी नहीं करेगा, क्योंकि अब सी करेगा, तो सी ए के साथ मिलकर के करेगा और यह करेगा 1/55 प्लस 1/11, 6/55 भाग करेंगे। अच्छा अब 2 दिन में कितना कुल काम किया गया, तो 2 दिन में भैया दोनों का हम क्या निकालेंगे, जोड़ देंगे काम, ये इतना काम है, ये इतना काम है, दोनों को जोड़ दिया तो 1/4 भाग आ गया। मतलब कि 1/4 भाग काम किया जा चुका, कितने दिन में, 2 दिन में, समझिए बड़े ध्यान से, कितने दिन में किया गया, 2 दिन में 1/4 भाग किया गया। तो अब इसी का कर लो मल्टीप्लाई भैया, तो 4 × 2 = 8, यानी कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे, 8 दिन में, कितने दिन में करेंगे, तो 2 दिन में 1/4 भाग, 2 दिन में 1/4 भाग, तो पूरा कार्य जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जो 2 दिन में इतना काम करते उसी का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब कितने दिन में, 8 दिन में उस काम को समाप्त कर लेंगे। क्लियर है, समझ लो इस प्रश्न को अच्छे से, ठीक है, एक बार दो बार नहीं, जितनी बार आपको इसमें टाइम देना हो आप समझ सकते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चले बात समझ में आ गई, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, चलो कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को करने में, ए तथा बी दोनों द्वारा मिलाकर उसी कार्य को करने में, करने, ठीक है, कार्य करने में लगने वाले समय की तुलना में 4 घंटे अधिक ले, तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने वाले लगने में समय से 9 घंटा ज्यादा ले। यहाँ पे पहले बात समझ लीजिए, कह क्या रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके हम मान लेते हैं कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं, कोई दिन नहीं है, घंटा है, घंटा लिखो भैया, एक्स घंटे में काम समाप्त कर देते हैं, ए और बी मिलकर के यक्स घंटे में उस कार्य को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, ये समझ में आ रही है। अगर ये दोनों मिलकर करते हैं, अगर ए को अकेला काम करना है, तो कह रहा है कि जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे तो यक्स घंटे में कर रहे थे, अगर ए अकेला करे तो उसी कार्य को जो दोनों जब मिलकर कर रहे थे उससे 4 घंटा ज्यादा लगेगा। मतलब कि हम लगेगा भैया एक्स प्लस 4 घंटे, मतलब जो पहले लग रहा था दोनों के मिला करके उससे 4 घंटा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, साथ बात समझ में आ रही है। और बी वाले को कहता है उस वह जो है जब दोनों साथ में काम करते तो उससे 9 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब कि एक्स प्लस 9 घंटे ज्यादा लगेगा, बात समझ में आ रही है।
तो ठीक है। अच्छा अब अगर ये, अब बस इसी को आप सॉल्व कर लो भाई। अब हम कहें कि इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, ए वाले का, तो पहले दोनों का एक दिन का, यानी जब दोनों एक दिन में करते हैं, तो एक दिन का जो कार्य होगा, एक दिन का जो कार्य होगा दोनों का, तो आप कहोगे 1/x घंटे में, यक्ष 1/x कार्य, कार्य मतलब भाग, 1/x भाग काम करे, क्लियर है ना। और ए कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि एक दिन में ए द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह किया जाएगा 1/x+4। अच्छा बी द्वारा काम किया जाएगा 1/x+9, ठीक है। अच्छा ए और बी को अगर हम एक दिन का जोड़ दें, तो इसके एक दिन के क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ए और बी का ही तो है, ये भी तो ए और बी हैं, तो मतलब ए और बी को अगर हम जोड़ दें, यानी 1/x+4 और प्लस 1/x+9, तो बराबर होना चाहिए 1/x, यानी दोनों को मिला करके बराबर होना चाहिए। चलो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये इसका x+9 का एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x+9 प्लस इसका इधर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+4 बटे में क्या हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, 9 × 4 कितना हो जाएगा 13x और प्लस 9 × 4 = 36 बराबर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स यक्स जुड़ जाएगा और यक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया x, x जुड़ गया तो 2x, और 2x का मल्टीप्लाई x में, ये हो जाएगा 2x² प्लस 9 और 4 13, 13 में x का मल्टीप्लाई तो 13x हो गया बराबर बराबर, ये जो लिखा है x² प्लस 13x+36। अच्छा यक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बचेगा, 13 से 13 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर आ गया 36, तो यक्स बराबर क्या आ गया, तो यक्स बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम समय ले रहे हैं, तो कितना लगेगा 6 घंटा, 6 घंटे कौन लेंगे, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य को कितने घंटे में करेंगे, तो 6 घंटे में करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, देख लो इस प्रश्न को भाई। ए और बी मिलकर के हम मान लेते हैं यक्स घंटे में उस काम को काम करते हैं, तो ए द्वारा उस काम को कितने घंटे में किया जाएगा भाई, जितने घंटे में दोनों मिलकर कर रहे थे उससे 4 घंटा ज़्यादा, और बी जो है 9 घंटा ज़्यादा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, तो इन दोनों का जो एक दिन का जो कार्य आएगा, इन दोनों के मिला करके एक दिन के कार्य के बराबर होना चाहिए, हल कर दिया 6 घंटा आ गया। ट्रिक देखना चाहते हो ट्रिक से भी देख लो, इसको समझ लो, ठीक है, इनका भी शॉर्ट ट्रिक देख लो। तो इनका जो अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधा याद रखो, अगर जितना घंटे ज़्यादा कहा जाए कि भाई दोनों मिल करके चाहे तीनों हो चाहे दोनों हो, ठीक है, इस तरह से अगर रहे, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट जो 4 घंटा दिया है यहाँ 4 लिखो, और जो यहाँ पे 9 घंटा दिया है, ज़्यादा दिया है, उसको 9 लिखो, 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना 6 घंटा, बस हो गया आपका प्रश्न हल 6 घंटा। तो आपको अगर ऐसे सही लगता, अगर इस तरह के प्रश्न इस तरह से दिखे, तो आपको अंडर रूट जितना घंटा ज़्यादा दिया है, ठीक है, उसी से आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। कोई दिक्कत किसी भाई बहन को यहाँ पे, कोई समस्या, ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है यह, ठीक है, इसको जरूर देखें। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 30 दिन और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, और इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य जो है 16 दिन में पूर्ण किया। कितने दिन साथ कार्य करने के बाद पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था, ठीक है, तो बी ने कितने दिन बाद जो है छोड़ा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जो है इस प्रश्न को एक बार देखें, अच्छे से समझें और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ए और बी स्वतंत्र रूप से कितने कितने दिन में, तो ए करता है भैया 30 दिन में, कितने दिन में 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में जो कार्य किया जाएगा वह होगा 1/30, तो इतना सभी लोग समझ रहे हो,
बी द्वारा कितना काम कितने दिन में कम काम करता है, तो 40 दिन में, कितने दिन में 40 दिन में काम करता है, ठीक है। अच्छा हम पूछें कि एक दिन में वह कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में काम करेगा वह 1/40 काम करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। बी तो कुछ दिन तो साथ काम करते हैं, लेकिन फिर बी जो है क्या करता है, छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य जो है 16 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया, 16 दिन में पूरा किया बचा हुआ कार्य, ठीक है। तो कितने दिन साथ कार्य करने के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था, ठीक है। तो 16 दिन में जो बचा हुआ कार्य था वो कितने दिन में काम करता है, 16 दिन में काम करता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो बी है वह यक्ष दिन जो है कार्य कर मतलब यक्ष दिन के पश्चात जो है कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट्स लगाना है तो मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि बी एक्स दिन पश्चात कार्य छोड़ा, कितने दिन बाद, यक्ष दिन बाद, एक्स दिन बाद कार्य छोड़ा, कार्य छोड़ा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो है साथ में अगर मिलकर काम करेंगे, ठीक है, तो दोनों साथ में अगर मिलकर के काम करेंगे, ठीक है, तो दोनों साथ में मिलकर के अगर काम करेंगे तो 1/40, चलो पहले दोनों का साथ निकाल लिया जाए, तो ए प्लस बी अगर साथ में मिलकर के काम करेंगे तो 1/30, एक दिन में दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो 1/30 + 1/40 मतलब हो जाएगा एलसीएम कितना, यहाँ पर 120, मतलब कि हो जाएगा 4 और + 3 यानी 7/120, ठीक है। 7/ कितना आ गया, 120 कटेगा, तो ये अब कटेगा नहीं, तो 1/30 और 1/40 कटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये जो है 16 दिन में काम जो है, इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 16 दिन में पूरा किया, ठीक है। बचा हुआ कार्य कितने दिन में करता है, 16 दिन में काम यह पूरा समाप्त कर देता है, ठीक है, 16 दिन में। अच्छा मैं अगर पूछूं कि ये जो ए काम करता है, ध्यान से समझें, ए द्वारा बचा हुआ कार्य समाप्त करता है कितने दिन में, 16 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कितना भाग करेगा, तो हम भाई अगर कहें कि कितना भाग करेगा तो हम कहेंगे कि 1/ भाई एक दिन में कितना है, एक दिन में वह करता है 1/30, तो 1/30 16 दिन में कितना करेगा, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/16 और ये हो जाएगा 15, यानी 8/15 भाग वह किया है। 8/ यानी जो शेष भाग था वह 8/15 भाग किया था, कितना भाग किया था, 8/15 भाग। बात समझ में आ रही है, फिर से समझिए भाई, ये बचा हुआ काम कितने दिन में करता है, 16 दिन में करते हैं। अच्छा तो अगर हम कहें कि एक दिन में वह कितना कार्य करेगा, 1/30 दिन में, तो 16 दिन में कितना करेगा, तो हम 16 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यानी 8/15 भाग वह काम किया था जो 16 दिन में किया था। 8/15 काम कौन था, जो बचा हुआ भाग था, यही 8/15 भाग जो बचा हुआ भाग था वह 16 दिन में कंप्लीट किया। अच्छा अब अगर ये दोनों 16 दिन में कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो कितना काम जो है था, ठीक है, तो 8/15 8/15 शेष काम था जो अकेले ए ने किया लास्ट में, ठीक है। तो दोनों मिलकर के साथ में कितना काम किए थे, तो हम क्या करेंगे, एक में से, क्योंकि काम कितना होता है, काम एक ही होता है, 8/15 भाई कोई कार्य होगा, एक कार्य होगा जिसका 8/15 भाग किया जा चुका था लास्ट में, ठीक है। तो शुरू में कितना किया गया, तो एक में से हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7/15, कितना हो जाएगा, 7/15। 7/15 ये दोनों मिल करके करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, मिल करके करते हैं, कौन, ए और बी, ठीक है, ए और बी मिल करके काम करते हैं, ठीक है। और ए और बी के द्वारा जो मिल करके जो काम किया गया है वह 7/120 है। तो बस अब इसी को आप हल कर लो कि 7/15 जो भाग है, 7/15 भाग दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में, तो 120/7, 7 से 7 कट जाएगा, 15 8 120,
यानी 8 दिन में, कितने दिन में, 8 दिन में, 8 दिन तक वह कार्य किया गया। कितने दिन तक कार्य किया गया, 8 दिन तक। ठीक है, पूछा गया है कितने दिन सात कार्य करने के बाद, ठीक है, कितने दिन सात कार्य करने के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था। तो बी ने कितने दिन कार्य जो है छोड़ा था, तो यहाँ पर 8 दिन ये आ गया, तो 15 अट्ठे 20, ये क्या आ गया, 8 दिन तक वो साथ में काम किए, मतलब 8 दिन। तो यहाँ पर 8 दिन, तो ऑप्शन में तो भैया 15 अट्ठे 120, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पर 6 दिन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में 8 दिन है, यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ 8 दिन है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा है। ठीक से चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ए 30 दिन में, 1 दिन में कितना करेगा, 1/30, बी करेगा 1/40, ठीक है। अच्छा, अब दोनों मिल करके काम कितना करेंगे, तो करेंगे 7, 1 दिन में 7/120 भाग, यानी दोनों मिल करके काम कितना करेंगे, 1 दिन में 7/120 भाग, समझ पा रहे हो। अच्छा आ जाओ इधर, ए द्वारा बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त किया, 16 दिन में किया, कितने दिन में किया, 16 दिन में किया। हम कहें कि अगर 1 दिन में एक भाग ए कितना करता है, 1/30 भाग करता है, तो 16 दिन में कितना भाग करेगा, तो 16 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 दिन में 1/30 भाग, तो 16 दिन में कितना, तो 16 दिन में हो जाएगा 8/15 भाग करेगा, ये शेष भाग था जो बचा हुआ भाग, जब बीच छोड़कर चला गया, तो 8/15 भाग अकेले 16 दिन में कौन कंप्लीट किया, ए ने कंप्लीट किया, समझ में बात आ गई। अच्छा तो दोनों ने मिलकर के कितना काम किया होगा, भाग किया होगा, तो 8/15 अकेले ए ने किया, तो एक में से घटा देंगे, तो ये जो 7/15 भाग है, ये दोनों ने मिलकर किया था, और दोनों ने मिलकर जो किया था, 1 दिन का कार्य इतना है, 1 दिन का कार्य इतना है, तो अगर मैं इसको दिन में बदलूं, अगर मैं इसको दिन में बदलूं, तो आप कितना दिन बोलोगे, तो कहोगे पलट दोगे ना, 120/7 दिन। ठीक है, अब यहां समझो भाई, 7/15 भाग है हमको, ये हमको कह ये देखना है कि हम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो आपको 7/15 को 120/7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दिन में दोनों मिल करके इस बचे हुए भाग, मतलब शुरू में जो 7/15 भाग काम करते हैं, या इतने में कर लेते हैं। ठीक है, अगर यह बात आपको न समझ में आई हो, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत अच्छा ट्रिक है, उसको भी ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी आप जानते रहिए। ठीक है, करेंगे क्या, कौन छोड़ के जाता है, तो भैया बी छोड़ करके जाता है, कौन जाता है, बी छोड़ करके जाता है। ठीक है, तो शेष कितने दिन में वह काम करता है, 16 दिन में करता है, तो जो 16 दिन में काम करता है, ठीक है, जो 16 दिन में काम करता है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 16 दिन में तो कौन काम करता है, ए, ठीक है, तो ए करता है, तो ए द्वारा जो काम है ये 30 दिन है, और ये 16 दिन में काम करता है, तो 30 और 16 को आप घटा दोगे, यानी 30 का माइनस 16 कर दोगे, इनटू इनटू बी वाला मान, बी का मान कितना है, बी का मतलब जो 40 है, ठीक है, बी द्वारा 40 अपॉन में आप क्या कर लोगे, क्योंकि अब दोनों जो है मिल करके काम करते हैं, तो जोड़ दोगे, तो 30 और प्लस 40, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 × 40/70, तो 14 × 5 = 70, और 5 × 8 = 40, यानी कितना दिन आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। तो फिर से समझ ले शॉर्ट ट्रिक में कैसे यूज करना है, तो जो कार्य छोड़ करके गया, तो बाद में कौन काम किया, ए ने काम किया, अब ए जितना दिन काम करेगा उसमें ए वाले में घटा देना है, तो 30 में 16, क्योंकि ए काम करता, तो 30 में 16 घटा देंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी वाले से, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि एक्स इंटू वाई बटे में दोनों को जोड़ करके, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। फिर कह रहा है कि कितने दिन में सात कार्य करने के बाद पश्चात बी ने छोड़ दिया, ठीक है, और बटे में क्या करेंगे, 40 और 30 को ऐड करके भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आप कर सकते हैं, अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं इसको आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।